हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो इस सुबह सुबह जितने भी काम हैं मैंने थोड़े थोड़े से करके निपटा लिए हैं, क्योंकि मुझे बहुत ही धीरे धीरे काम करना है। आजकल है ना, ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है, स्टिचेस की वजह से चक्कर से आने लगे हैं। और तो बस धीरे धीरे, अगर हम लेटे भी रहेंगे तो फिर भी अपनी कमर में दर्द होना है, और कुछ नहीं तो काम करते रहना ही सही रहता है। और मैंने कन्नू के पापा को लंच भी तैयार करके दे दिया है। थोड़ी सी तबीयत मेरी ढीली रहती है आजकल। तो आपको आगे आने वाले जो व्लॉग मिलेंगे भी अच्छे ही मिलेंगे, आई होप। सारी किताब इसी में रखी बैठे आपकी? ढिल्ला तो ये ऐसे ही है, ये उसमें भगवान जी ने वजन हल्का कर दिया। चलो और जी, आजकल मैं ना फलौती मार के भोजन नहीं लगाती हूँ, नहीं लेट पोट लोट पोट होकर के भोजन लगाती हूँ, क्योंकि फिर पेट मेरा आगे से लंबा होकर के बढ़ रहा है। और मैं लगा रही हूँ स्टैंडिंग वाले पोछे से कम मुझे 1 महीना हो जाएगा स्टैंडिंग वाले पोछे से पोछा लगाते हुए। तो जी चलिए, बस मेरे पोछे का काम रह गया है, फिर बर्तन साफ करने हैं, क्योंकि कन्नू के पापा भी अपना नाश्ता करके चले गए हैं। कन्नू को मैंने स्कूल भेज दिया है, और बस यहाँ पे साफ सफाई करनी है थोड़ी सी किचन। अभी अभी मेरे यहाँ का सारा काम निमट चुका है, और मम्मी ने बोल दिया कि लंच मैं अभी नहीं करूँगी, थोड़ी देर बाद करूँगी, तो उनके लिए थोड़ी देर बाद खाना बनाना। सामान मैंने सारा का सारा तैयार करके रख दिया, पूजा भी कर लिया, और अभी बज गए हैं 10 बजे। अब लाइट आई है, तो मैंने कपड़े भी वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं, आपको दिखा दे रही हूँ। थोड़े से ही कपड़े आए, ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि कल संडे था तो ज़्यादा कपड़े नहीं निकले। और मम्मी भी यहाँ पे आराम से बैठी हुई है, क्योंकि इनकी है ना, इनको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। और अभी आपको दिखा देते हैं, वॉशिंग मशीन की तरफ लेके जाते हैं, पहले तो वो बंद करनी पड़ेगी। और ये देखिए जी, कुछ कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं, और कुछ यहाँ पे डाल दिए हैं, और तौलिया भी धो दूंगी आज, क्योंकि ज़्यादा कपड़े तो है नहीं, तो सारे के सारे कपड़े जो है तौलिया वगैरह सब डाल दिए हैं। अभी अभी है ना, पड़ोस में से बाजी आई है, और मम्मी ने लड्डू खा लिया है। खांसी होने के बावजूद भी मम्मी से बिल्कुल नहीं रुका गया, और है ना, खाने के लिए कर दिया मना। ये बोल दिया कि जब भी तेरे पिताजी आएंगे जब भी खाना खाऊंगी। मैंने कहा आज तो बहुत संस्कारी बन रहे, पहले ही खा लेते थे, पहले तो रोज रोज अब भूख नहीं है तो खाना नहीं खाना। तो अभी है ना, बस कपड़े धुल ही चुके हैं, और पहले तो पड़ोस में से एक लेडीज आ गई थी, मैं बैठ के चली गई है, तो बहुत देर हो गई, मम्मी को बात बनाते हैं उनके साथ में, और मेरे सारे के सारे कपड़े भी धुल गए उस टाइम में। अभी बस सुखाने बाकी रह गए हैं, और बस सुखाने हैं, एक राउंड सूखने लग रहा है, तो मैं तो यहाँ पे आकर के बैठ गई हूँ। जब तक वो सूखेगा तो फिर उनको फैलाने के लिए जाना है, तो ऐसे ही काम निमट जाएगा धीरे धीरे। कन्नू को वेट कर रहे हैं, आज टीचर्स डे है, तो पहले तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे जो भी टीचर्स हैं। और ये दिन तो हमारे लिए बहुत स्पेशल रहता था, जब हम स्कूल में होते थे ना, तो बच्चे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाते थे हमारे लिए, ग्रीटिंग कार्ड लाते थे, बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट लाते थे, तो बहुत ही अच्छा लगता था। और ख़ासकर वे रेड और ब्लू पेन ज़रूर देते थे, रेड पेन, ब्लू पेन, बॉल पेन, जेल पेन, बहुत सारे पेन हो जाते थे हमारे पास में। वे दिन अभी भी याद आते हैं। तो 7 साल हो गए हैं, स्कूल में पढ़ाया नहीं है बिल्कुल भी, वो गए भी नहीं है, और बहुत ही मिस कर रही हूँ वे दिन में। नमस्ते जी, हाथ जोड़ गए, माँ के पैर छू अपनी। हाँ, फूल बनाने के लिए कुछ लाया है कन्नू, और दिखाएगा पानी की बोतल का। अभी शाम का समय हो गया है, और शाम के टाइम अब मम्मी तो हमारा व्लॉग देख के जा रही है यहाँ पे, और बहुत ही शांत वातावरण है। बर्तन साफ करने है चाय के, चाय कन्नू पी करके फ्रेश भी हो लिया है, और अभी है ना, बस मुझे उसके लिए थोड़ा सा दूध गर्म करना है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, 6 बज गए हैं। तो जी 6 बजे हमारा वो लोग आ जाता है, तो मम्मी देखने लगती है, और यहाँ पे कन्नू टोकरे में बैठ के खेल रहा है। मना करते हैं इसको, लेकिन इसको ये टोकरा कुछ ज़्यादा ही पसंद है,
तो इसमें बैठा रहता है। अभी इसको बस दूध गर्म करके देना है, फिर थोड़े बर्तन हैं, बर्तन साफ करने हैं। तो ये चलिए कर लेते हैं अपने काम। और खाना वाना बनेगा बहुत लेट, क्योंकि कन्नू पापा आएंगे आज बहुत ज़्यादा लेट। अभी हम डूटे से आए थे और आने के बाद बाहर घूमने चले गए थे और खाना पीना सब खा लिया था। बाकी एक जगह से थोड़ी सी तंदूरी की दावत आ रही थी तो मैं तो वहाँ खा के आया था। और कन्नू लगा हुआ पन्नी में, कन्नू मुझे बाहर ही मिल गया था, मुझसे कोल्ड ड्रिंक लेके आया है। पता नहीं इसने कोल्ड ड्रिंक ला के किसको पिलाई है, वह किसको पिलाई है कोल्ड ड्रिंक? तीन जनों को अपनी कोल्ड ड्रिंक पिला दी है। और बॉबी की तबीयत थोड़ी नाजुक है, बॉबी लेटी हुई आराम कर रही है। अभी मैं बॉबी को खड़ा होने के लिए बोलूँगा और फिर इसके खाट पे बिस्तर पे, इसकी मतलब चारपाई पे बिस्तर बिछा दूंगा, उसके बाद ये लेट जाएगी। और मम्मी को बुला के लाता हूँ, मम्मी देगी दूध बॉबी को भी, मुझको भी और अपने लड़के को भी। कोल्ड ड्रिंक पी के आया हूँ तो अभी दूध नहीं पीऊँगा मैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेती बाहर, तो थोड़ी देर बाद पी लेंगे। तो जी फिलहाल अभी उन्होंने मुझे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है। कन्नू ने मेरी सारी बात आके मम्मी को बताया कि पापा वहाँ खड़े होकर कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, ये बात बताई थी ना। और जो भी मिलता है, जो एक आदमी मिलता है उसी से बातें करने लगते हैं। आज कितनी शिकायत लगा दी मेरे लड़के ने, तो चलो जी मैं एक बार जाके उससे भी मिल के आता हूँ, उसने मेरी क्या क्या शिकायत लगाई है। और आज मम्मी इसने लगाई है मेरी शिकायत आके मम्मी से। क्या शिकायत लगाई है मेरी आके? मैं बाहर खड़ा था और क्या पी रहा था? कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। और किससे बात कर रहा था? क्या क्या शिकायत लगाई मम्मी से आगे? कोल्ड ड्रिंक ये भी लेके आया अपने लिए और मैं भी पी रहा था बाहर। मम्मी को भी बकाना पड़ा पापा को भी कि मैं दे नहीं रहा था बकाने के बाद जब दिलवाई कैसे बकाया था भाई मुझे। अभी मैं अपने पिताजी के पास बैठा हूँ और कन्नू अपनी माँ के पास बैठा है। और माँ के पास बैठा हुआ इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना अच्छा मैं लग रहा हूँ अपने पिताजी के पास बैठा हुआ। देखा, देख मेरे पिताजी मेरा कितना लाड़ करते हैं। देखा, मेरे पिताजी का चश्मा मत उतारो। मेरे पिताजी के पास तो मुलाटी है, मुलाटी मुलाटी को और मेरे पिताजी को दे दिया क्या? ठीक करा। हाँ, और मेरे पिताजी के पास तो मुलाटी है, वो खाते हैं, मेरे पिताजी से मुलाटी खाते हैं, अपना गला ठीक रखते हैं खा के। तो जी यहाँ पर दादी पोते बैठे हुए और थोड़ी देर यहाँ से मस्ती चल रही है। और ये ऐसा नहीं विभोर जो जा रहा है, विभोर की माँ भी है, पड़े ही थोड़ा सा विभोर बड़ा हो गया हो पर असली माँ विभोर की भी है। विभोर अपनी माँ का लाड़ करना, मेरी माँ देखो अपनी माँ का, विभोर की माँ भी है। देख देख माँ विभोर को टोपी देना है। पिताजी देखा कितना तेज लड़का है, अपने भाई को टॉफी देने से मना कर दे, कल को ले लेंगे इनको, कल को ले लेंगे, है ना। और बहुत ही ज्यादा तेज बन रहा है ये लड़का, है ना। और मेरे पिताजी इतने सीधे हैं, कभी मना नहीं करते इसको कुछ भी सामान देने के लिए। और अपनी माँ से हमें कोई भी सामान नहीं दिलवाने दे रहा है। मेरे पिताजी इसको घुमा के भी लाते हैं, इसको खिला के भी लाते हैं, इसको स्कूल भी लेके जाते हैं, इसको टॉफी भी दिलाते हैं, इसको सब काम करवाते हैं। और अभी भी ये अपनी माँ से मुझे कुछ भी काम नहीं करने देता है। तो पिताजी लड़का अच्छा नहीं है, है ना। हाँ, पर फिर भी आपको यही अच्छा लगता है। तो आज पिताजी टीवी नहीं देख रहे हैं, आज पिताजी बाहर बैठे हुए हवा में, आज पिताजी का टीवी हो रहा है बंद। तो जी अच्छा मौसम हो रहा है बाहर का, तो यहीं बैठते हैं आज। और अभी मैं बॉबी के लिए जा रहा हूँ बिस्तर लगाने के लिए। मम्मी चलो हमारे लिए दूध देना है आपको, और मुझे देना है दूध, कन्नू को नहीं देना है। तो जी अब कन्नू बताएगा कन्नू के जो लाड़ है कौन किस तरह से लाड़ करता है। सबसे पहले बताएगा अक्षित किस तरह से लाड़ करता है कन्नू आपका? बाल पकड़ता है। और विभोर गाल चूटता है, किस तरह से गाल चूटता है? और अच्छा ऐसे गाल चूटता है विभोर। और अंशी, अंशी नु मारती है। अच्छा मम्मी किस तरह से लाड़ करती है? ऐसे करती है। और पापा कहानी सुनाते हैं, और किस तरह से लाड़ करते हैं गालों का बताओ।
नू करते हैं और ताऊ कैसे लाड़ करते हैं? धीरे 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 मारते रहते हैं और मार के लाड़ करते हैं। और माँ कैसे लाड़ करती है? किस तरह से मार के कैसे लाड़ करती है? दिखाओ, दिखाओ मेरा बेटा। अच्छा माँ नू करती है और मम्मी किस तरह से करती है? मम्मी नू करती है। अच्छा सभी लोग इसका इस तरह से लाड करते हैं, इसका सबको याद हो गया, इस तरह से याद करता है। अच्छा सबसे अच्छा कौन लाड, सबसे अच्छा किसका लाड लगता है आपको? सबसे अच्छा कौन लाड करे? मम्मी माँ। मम्मी और माँ खड़े हो। हम लेके आए हैं आज नारियल, और ये नारियल हम लगभग रोज लाते रहते हैं, आज भी दो नारियल लेके आया है। इसको कन्नू ही फोड़ेगा और अपनी माँ को अपनी मम्मी को खिलाएगा। नारियल का पानी निकाल के अपनी मम्मी को देगा, तो इसकी हेल्प हम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये तो फोड़ देता है क्योंकि बच्चा है, इससे भी नारियल का पानी नहीं निकलता, पर ये फोड़ने की जिद करता है। इसने एक नारियल फोड़ दिया अपने आप ही, पर इसको मैं फोड़ के दूंगा और फिर इसको पानी को इसकी मम्मी पी लेगी और गोले को ये कन्नू माँ हम लोग सब लोग खाते हैं। हेलो जी, तो जी देखिए कन्नू के पापा सामने गुलक्कड़ उठते जा रहे हैं और मेरी सारी की सारी रिपोर्ट यहाँ पे भूलिया है भूल करके चले गए। डॉक्टर के पास लेकर के जाना था उनको और अभी रास्ते में चले गए, जाकर के फोन करने लगे हैं, कहने लगे हैं कि मैं वो फॉर्म रिपोर्ट तो मैं गरीब भूलिया है और हम क्या मतलब क्या बात करूँगा डॉक्टर से। तो मैंने कहा ठीक है कल लेते जाना आप रिपोर्ट्स को और फिर डिस्कस कर लेना, क्योंकि आज मेरे बारे में डिसीजन लेना था उनको कि मेरा ऑपरेशन कब किया जाएगा। वैसे तो डेट दी है उन्होंने 10 अक्टूबर की, लेकिन अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग 10 अक्टूबर की है, लेकिन स्टिचेस जो है वे पतले पड़ गए हैं, इस वजह से बच्चा पहले उठवाना पड़ेगा ऑपरेशन के द्वारा। तो इसीलिए रिपोर्ट्स देख करके डॉक्टर बताएगी कि कितने दिन रुक सकते हैं। वैसे तो मुझे अपने जो पहले वाले स्टिचेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से मुझे चक्कर भी आने लगे हैं। तो जी चलिए कर देते हैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।